हे डियर मम्मीज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी कि किस तरीके से विदाउट एनी एक्सरसाइज एंड विदाउट एनी डाइटिंग डिलीवरी के बाद आप अपना वेट कम कर सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी। मैं यहाँ पे अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी में 24 केजी के लगभग वेट गेन किया था एंड आफ्टर डिलीवरी लगभग 6 मंथ्स के बाद ही मैंने उसी शेप को दोबारा अचीव कर लिया था जो मेरे प्रेगनेंसी से पहले था। तो ये सब मैंने कैसे किया वही मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपकी जैसे ही डिलीवरी होती है तो आपका जो फर्स्ट जो वीक होता है बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, उसे आप गोल्डन वीक भी कह सकते हैं। उसमें आप अपनी बॉडी को पुश कर सकते हैं ताकि अंदर जो आपकी गंदगी जब भी जमा हुई है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में आया है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसे वो रिमूव कर सके। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये कि एक कटोरी आपको अजवाइन लेनी है, मिक्सी में उसे दरदरा पीस लेना है और आपको एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को आपको उसे गर्म पानी के साथ में, एक गिलास गर्म पानी से उसकी फंकी ले लेनी है। तो इससे बहुत सारे फायदे आपकी बॉडी को होने वाले हैं। पहला फायदा आपका ये होगा, जैसे ही हमारा जो डिलीवरी होती है तो उस टाइम में हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, हमने जो बहुत जो दर्द सहा होता है उससे जो स्वेलिंग आपकी बॉडी में आती है तो वो स्वेलिंग जो है वो उस अजवाइन से आपकी बॉडी से चली जाएगी। सेकंड ये होगा कि जैसे हमारी डिलीवरी होती है हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कच्ची हो जाती है, एक तरीके से आप कुछ भी खाएंगे तो आपके पचता नहीं है, आपकी गैस बन सकती है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अजवाइन लेंगे आप तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी बॉडी का जो पाचन है वो अच्छे से चलता रहेगा, डाइजेशन सिस्टम आपका बिगड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। और थर्ड थिंग आपकी ये होती है कि इसमें आफ्टर डिलीवरी कई बार प्रॉब्लम आती है लेडीज़ को, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। स्टार्टिंग में इनफैक्ट बहुत सही लेडीज है जिनकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से नहीं होती है, तो जब आप अजवाइन लेंगे तो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो अच्छे से बॉडी में आपके बनता रहेगा, तो बच्चा भूखा भी नहीं रहेगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद में उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा गिरने लग जाता है, तो उसका एक कारण ये भी होता है क्योंकि माँ का दूध इतना बन नहीं पाता कि बच्चे का पेट भर सके, तो इसलिए बच्चे का जो वेट है वो बिल्कुल गिरने लग जाता है। तो आप जब अजवाइन लेंगे तो आपका ये फ़ायदा भी बिल्कुल होगा कि आपका ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बहुत ही अच्छे से होगी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे आपको फ़ायदे होंगे, साथ में सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होगा कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी से निकलता रहेगा, आपकी चर्बी कम होती रहेगी। तो बहुत सारे फ़ायदे आपके होंगे यदि आप अजवाइन का सेवन करेंगे तो। आपको लगभग 40-50 डेज तक आपको अजवाइन लेनी है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। सेकंड थिंग, आप क्या कर सकते हैं, आपने बाजार में अक्सर देखा होगा कि मैं आपकी जो एब्डोमिनल जो बेल्ट होती है उससे आप वेयर कर सकते हैं। मैंने खुद ने जो एब्डोमिनल जो बेल्ट यूज करी थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर आप मार्केट में कोई भी एब्डोमिनल बेल्ट ले सकते हैं। सो डिलीवरी बेल्ट भी कहा जाता है, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो गई है फिलहाल, तो आप उसे ले सकते हैं। आप उसे नॉर्मल डिलीवरी के जस्ट सेम डे से आप उसको वेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सी सेक्शन जो डिलीवरी हुई है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड करे तो आप तभी से यूज कीजिए। कुछ लोगों को डॉक्टर 8 डे से अलाउ कर देते हैं और कुछ लोगों को 15-20 दिन के बाद अलाउ किया जाता है, तो ये सब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा आफ्टर सी सेक्शन के बाद में। यदि नॉर्मल डिलीवरी तो सेम डे से आप उसको वेयर कर सकते हैं। थर्ड थिंग, आप क्या कर सकते हैं, आपको लेना है 1 चम्मच मेथी दाना, रात को उसे भिगो दीजिए और सुबह उस पानी को गर्म करके चाय की तरह सिप सिप करके पी लीजिए, और जो आपके बीज बचे हैं मेथी को उनको भी चबा चबा के खा जाइए। इससे भी आपको बहुत फायदा होने वाला है, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो एकदम फ्रेश हो जाएगा, पहले जैसा होने लगेगा, तो आपको जो कंस्टिपेशन की जो प्रॉब्लम हो जाते हैं नॉर्मली वो भी नहीं होगी, आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई है वो बहुत अच्छे से होगी। साथ में सबसे बड़ा फायदा इसमें आपका ये भी होगा कि जब आप मेथी दाने का सेवन करेंगे तो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी मिलने वाली है आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, तो बच्चा बहुत जल्दी बीमार जो पड़ जाता है वो वाली आपकी जो परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैंने साल भर तक मेरे बच्चे को कभी भी डॉक्टर के पास में नहीं ले गई, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है, तो बच्चों की इम्यूनिटी मेरी इतनी अच्छी है कि अभी तक मुझे किसी चीज़ की जरूरत पड़ी नहीं डॉक्टर के पास जाने की। तो आप ये करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, साथ में आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी बॉडी से बहुत तेज़ी से रिमूव होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।